hello dear friends today we are here with the next topic idiom and phrases we have completed some idioms and phrases started with a and now today we will discuss on the topic idiom and phrases those start with b and hope you enjoyed the last video and hope you will also enjoy this video this video is going to be very interesting and hope you will learn this video with a very easy method easy way you can listen all these idioms and phrases by only listening this video or तो आज का ये वीडियो है हमारा ईडियम एंड फ्रेजेज इसको हम शुरू करते हैं बहुत ही इफेक्टिव वीडियो है बहुत ही अच्छा जो ईडियम एंड फ्रेजेस इंग्लिश में हम डेली डे दे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं तो फर्स्ट इज बी ग्लैड या हैप्पी टू सी द बैक ऑफ समबडी और समथिंग टू बी ग्लैड या ग्लैड मीन भी खुशी होता है और हैप्पी मीस भी खुशी होता है प्रसन्न होता है टू बी ग्लैड और हैप्पी to see the back of somebody or something, it means be pleased when somebody leaves or or when something ends because you did not like them. दम इसका मतलब हुआ किसी को जब पसंद करते हैं और उनके जाने की जो खुशी होती है किसी को आप पसंद करते हैं और वो चले जाएं आपके घर में कोई लोग आ जाएं और आप उनको ना पसंद करते हैं और वो चले जाएं तो उसके बाद जो खुशी होती है तो उसको इस idiom में हम बोलते हैं बी ग्लैड टू सी something ऑफ guest और गेस्ट absolute pain एन the पैन फॉर द were रियली प्लीज टू सी द बैक ऑफ हिम ठीक है तो जो गेस्ट थे वो क्या थे दुख का कारण थे होस्ट के लिए ठीक है तो जब वो चले गए तो वो क्या हो गए खुश हो गए बैंड ओवर बैकवर्ड्स टू डू समथिंग बैंड ओवर बैकवर्स टू डू सम इसका मतलब होता है किसी चीज़ को कुछ पाने के लिए हम पूरी ताकत लगा देते हैं तो किसी चीज़ को पाने के लिए पूरी ताकत लगाना डू ऑल इन वंस पावर जो कुछ भी आपकी क्षमता है उसको पूरा करना ही पूरी लगा करके जिस चीज़ को हम पाने के लिए करते हैं यूजली टू अचीव सम थिंग और अकोमोडेट समबडी ठीक है द बैंड ओवर बैकवर्ड्स टू डू समथिंग बैंक्स आर बैंडिंग ओवर बैकवर्ड्स टू प्रोवाइड फैसलिटीज टू द डिपॉजिटर्स बैंक्स आर बैंडिंग ओवर बैकवर्ड्स मतलब बैंक्स क्या कर रहे हैं कुछ पाने के लिए पूरी ताकत लगा दे रहे हैं टू प्रोवाइड प्रोवाइड देना फैसिलिटी सुविधाओं को टू दी डिपोजिटर्स जो बैंक में पैसा जमा करते हैं डिपोज़िटर्स होते हैं हम लोग तो उनको फैसिलिटी देने में बैंक क्या कर रहे हैं पूरी तागत लगा दे रहे हैं बी इन अ बैड वे बी इन अ बैड वे मीन्स होता है सख्त बीमार होना बी इल और अनहैप्पी और इन अ बैड स्टेट इन अ बैड स्टेट में किसी बुरी अवस्था में होना बी इल में बीमार होना अनहैप्पी ना खुश होना आफ्टर ईयर ऑफ रिसेसन द इकोनमी ऑफ द कंट्री वॉज इन अ बैड वे क्या था सालों की मंदी के बाद रिसेसन मतलब होता है मंदी के बाद इकोनॉमी ऑफ द कंट्री जो देश की इकोनॉमी थी इन अ बैड वे क्या थी आ, अच्छी नहीं थी मतलब नाखुश स्थिति में थी सेट और स्टार्ट द बैल रोलिंग सेट या और स्टार्ट द बॉल रोलिंग बॉल रोलिंग मतलब बातचीत को शुरू करना या बातचीत को जारी रखना शुरू करना ठीक है गेट समथिंग स्टार्टेड स्पेशली अ कन्वर्सेशन और अ सोशल इवेंट किसी सोशल इवेंट हो रहा है या कोई कन्वर्सेशन है स्पेशली बातचीत हो रही है तो उसको क्या करना स्टार्टेड रखना शुरू करना उसको गेट समथिंग मतलब किसी चीज़ को शुरू करना दपोर्टर्स ऑफ द स्टूडेंट्स लीडर दपोर्टर्स ऑफ द स्टूडेंट लीडर गॉड द बॉल ट्रोलिंग बाई साउटिंग स्लोगन्स इन फेवर ऑफ हिस्स कैंडिडेट द सपोर्टर्स ऑफ लीडर जो छात्र नेता था उसके जो सपोर्टर्स थे गॉट बॉल द गॉट द बॉल रोलिंग उन्होंने बातचीत को शुरू रखा कन्वर्सेशन को जारी रखा या कोई सोशल इवेंट था उसको जारी by shouting, साउटिंग साउटिंग जोर जोर से चिल्लाना स्लोगन्स नारे इन फेवर ऑफ इस कैंडिडेट अपने कैंडिडेट जो प्रत्याशी था उसके फेवर में उन्होंने क्या किया जो इस कन्वर्सेशन था ज़ोर जो जोर से चिल्लाने का उसको जारी रखा गेट जंप लीप ऑन दैंड वैगन गेट और जंप लीप ऑन दैंड वैगन इसका मतलब होता है आचरण में होने की वजह से जब हम किसी आंदोलन में सम्मिलित हो जाते हैं ठीक है आचरण में जैसे रहता है ना कहीं आंदोलनकारी आचरण में ही रहता है तो उसकी वजह से जब हम किस में क्या शामिल हो जाते हैं आंदोलन में सम्मिलित हो जाते हैं मीडिया इज़ प्लेइंग एन इंपोर्टेंट रोल टू क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑन द इश्यू एंड मोर एंड मोर पीपल आर गेटिंग ऑन द बैंड वैगन टू डिनाउंस सिगरेट स्मोकिंग ठीक है जो मीडिया क्या कर रही है इंपोर्टेंट रोल अदा कर रही है क्रिएट मीन्स क्रिएट करना अवेयरनेस जो जागरूकता को अवेयरनेस को उसमें क्या कर रही है मीडिया क्या कर रही है अपना रोल अदा कर रही है नॉट बैट एन आई नॉट बैट एन आई या आई लेस या आई लिट टू नॉट शो एनी शौक और सरप्राइज इसका मतलब होता है ना नहीं न जताना या अविचिलित ना होना टू नॉट शो एनी शौक और सरप्राइज शो मीन प्रदर्शित करना शौक और सरप्राइज मतलब सरप्राइज आज से शौक अचानक जो शौक होता है ना अचानक किसी चीज़ के हम सरप्राइज व्यक्त करते हैं उस शौक तो तो अचानक हैरानी न जताना या अभिलि अभिचिलित न होना वेन द कोर्ट प्रोनाउंस द प्रिजन गिल्टी ऑफ मर्डर जब कोर्ट ने क्या किया जो प्रिजनर था कैदी था प्रिजनर मतलब जेल होता है और प्रिजनर मतलब कैदी को गिल्टी ठहराया मर्डर का आरोपी ठहराया दूज इस्ट देयर वहाँ खड़ा हुआ विदाउट बैटिंग एंड आई लिट क्या हुआ द Stood there, खड़ा रहा बिना हैरानी जताए हुई वहां खड़ा रहा गेट ऑफ द बैट ऑन द रोंग साइड गेट अप ऑन द रोंग साइड ऑफ द बैट ठीक है या तो हम ऐसा बोल सकते हैं या तो ऐसा बोल सकते इसका मतलब गेट आउट ऑफ द बैट ऑन द रोंग साइड या गेट अप ऑन द रोंग साइड ऑफ द बैट बी इन अ बैट और ग्लम्सी मूड ग्रुम्पी मोड मतलब होता है बुरे मिजाज में होना ठीक है बी इन अ बैड और ग्रुम्पी मूड मतलब बुरे मोड में होना अच्छा मोड नहीं होना या बुरे मिजाज में होना जिसके बोलते हैं हिज बिहेवियर विद एवरी वन इज अड टू डी हिज बिहेवियर व्यवहार विद एवरी वन प्रत्येक के साथ इज है वेरी बैड टुडे बहुत ही बुरा इट सीम्स ही गोट अप ऑन द रोंग साइड ऑफ द बैड इसका मतलब है कि वह आज बुरे मिजाज में है या उसका मन ठीक नहीं है बुरे मूड में है वो ठीक नहीं है इसलिए सबके साथ बुरा बर्ताव या व्यवहार कर रहा है गिप समी एल गिप सम्बडी हेल मीन्स स्कॉल्ड सम्बडी हर्सली स्कॉल्ड में डांटना समबडी किसी को हर्सली मतलब कठोरता से बुरी तरीके से हर्ष हर्ष सब होते हैं कठोर शब्द तो हर्सली इस कॉल्ड समबडी हर्सली मतलब किसी को बुरे तरीके से डांटना द बॉस गिव देम हेल्प फॉर नॉट फिनिशिंग द प्रोजेक्ट इन टाइम प्रोजेक्ट को सही समय पर पूर्ण न करने पर बॉस ने उनको क्या-क्या बुरी तरीके से डांटा ठीक है तो आपको मैं छोटी-छोटी चीजें बता रहा हूं इसमें इसका अर्थ भी बता रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा तो गिव गिप संबडिया हेलमिश होता है किसी को बुरी तरीके से डांटना तो एग्जाम्पल है द बॉस गिव दैम गिव मिस प्रजेंट में गिव मतलब पास्ट में गिव की फर्स्ट फॉर्म पास्ट होती है तो गिव गिप संबडिया हेलमि किसी को बुरी तरीके से डांटना और डांट दिया है है। तो गेव द बॉस गेव दैम हेल हम बोलेंगे जैसे बॉस उनको डांटेगा तो बॉस विल गिव देम हैल ठीक है उनको डांटेगा गिव समबडी द बेनिफिट ऑफ द डाउट गिव समबडी द बेनिफिट ऑफ द डाउट इसका क्या होता है संदेह का फायदा लेना संदेह का फायदा देना रिगार्ड समबडी एज इनोसेंट अंटिल प्रोवन अदरवाइज ठीक है किसी को संदेह का फायदा देना लेट्स गिव हर द बेनिफिट ऑफ द डाउट्स एंड एज्यूम दैट्स इज राइट ठीक है उसको क्या करो संदेह जो कर रहे थे उसका अज्यूम उसको ऐसा अज्यूम मानो कि वो सही है और उसको फायदा दो ठीक है ठीक है तो लेट्स से जो शब्द स्टार्ट होते हैं यहाँ पे मेरे को दो जो सेंटेंस याद आ रहे हैं मैं आपको बताता हूँ थोड़ा लेट्स से जैसे लेट्स लिखते हैं ना तो लेट्स प्ले आओ चलो खेलते हैं लेट्स लेट्स प्ले क्रिकेट आओ चलो क्रिकेट खेलते हैं लेट्स इंजॉय द मूवी चलो आओ इन मूवी को इन्जॉय करते हैं. इस तरीके से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं लेट्स लेट्स लीव दिस रूम चलो इस कमरे को छोड़ देते हैं लेट्स राइट न्यू लेटर फॉर द बॉस चलो बॉस के लिए नया लेटर लिखते हैं तो इस तरीके से लेट्स से भी कहीं सेंटेंस स्टार्ट होते हैं ठीक है बी अटमच बी अटमच में क्या होता है बी अट मच इफ वन सी से समिंग मच ही और सी थिंग्स दैट इट इज नॉट फेयर और दैट इज मोर देन वन कैन डील विद ठीक है तो जब क्या होता है बी अट मच में अनुचित होने की वजह से थोड़ा ज्यादा लगना कोई चीज अगर अनुचित लग रहा है उसकी वजह से ज़्यादा लगता है आई थिंक इट्स अ बिट मस्ट टू एक्सपेक्ट अ पेस बॉलर टू बॉल मोर देन फिफ्टी ओवर्स इन अ डे आई थिंक मैं सोचता हूं इट इज यो है अ बिट मस्ट टू अ बिट मच थोड़ा ज्यादा थोड़ा ज्यादा लगना मतलब थोड़ा ज्यादा है टू एक्सेप्ट आशा करना अ अप, पेस बॉलर जो तेज गेंदबाज होगा टू तो बॉल मोर देन पचास ओवर इन अ डे एक दिन में पचास ओवर से ज्यादा फेंक पाएगा ये जरा मेरे को ऐसा एक्सेप्ट करना मेरे को थोड़ा वो लगता है अनुचित लगता है टर्न अ ब्लाइंड आई टर्न अ ब्लाइंड आई मिस होता है क्या होता है जानबूझकर ध्यान न देना नज़रअंदाज करना ठीक है टर्न अ ब्लाइंड आई मिस होता है डिलीवरेटली ओवर लुक या इग्नोर करना किसी चीज़ को ठीक है नजरअंदाज करना जानबूझकर ध्यान न देना The principal decided to turn a blind eye to the students' misconduct this time, with a hope that they won't do it again. Misconduct, चिकट व्यवहार है। Principal ने क्या कर दिया? जो छात्रों ने क्या किया था, misbehaved misconduct किया था, उसको इस उम्मीद से छोड़ दिया कि अगली बार नहीं करेंगे, नज़रअंदाज कर दिया। ठीक है? तो कई बार जब स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं या छोटे बच्चे कोई भी हम लोग मिस्टेक करते हैं तो जो बड़े होते हैं वो नज़रअंदाज कर देते हैं चलो यार ये अभी नजर नज़रअंदाज कर देते हैं नेक्स्ट टाइम दे वॉन्ट रिपीट दिस अगेन आउट ऑफ द ब्लू आउट ऑफ द ब्लू मीन्स अनायास या अचानक या एकाएक हैपन सडनली मतलब कुछ चीज़ को अचानक घटित होना एंड वन इज नॉट एक्सपेक्टिंग इट जब कोई इसकी आशा नहीं कर रहा होगा लेकिन अचानक कुछ चीज हो जाती है ठीक है देन वन डे कंप्लीटली आउट ऑफ द ब्लू द मोइस्ट अटैक द पुलिस पोस्ट एंड कॉट एवरी वन ऑफ गार्ड ठीक है देन तब वन डे एक दिन कंप्लीटली पूर्णतः आउट ऑफ द ब्लू अचानक या द मोइस्ट मोइस्ट मिस होता है माओवादी जिनको बोलते हैं मोइस्ट जो माओ की विचारधारा में विश्वास करते हैं अटैक्ट अटैक पुलिस पोस्ट पुलिस पोस्ट पर अटैक किया और प्रत्येक को पकड़ लिया बी एव अ बोर्ड बी एव अ बोर्ड मीन्स निष्कपट होना खुले रूप से होना मतलब मन में कोई वो नहीं होना ओपन बिल्कुल बी एव अ बोर्ड निष्कपट आदमी स्ट्रेट फॉरवर्ड जिसे बोलते हैं लैजिटमीट विदाउट कंसीलमेंट कंसीलमेंट मिस होता है कंसीलमेंट होता है मतलब कुछ चीज़ जो दिखती नहीं है लेकिन होती है मतलब छुपाना किसी अपनी बुराइयों को छुपा करके अच्छा अच्छा दिखाना कंसीलमेंट लेकिन एवर बोर्ड में से होता है बिल्कुल निस्कपट आदमी स्ट्रीट फॉरवर्ड नो ट्रिक्स प्लीज वी वांट टू डील वी वांट द डील टू बी कम्प्लीटली एवर बोर्ड हमें कोई भी ट्रिक्स नहीं चाहिए कृपया हम क्या करेंगे बिल्कुल कंप्लीटली निष्कपट डील जाते हैं पुश द बोट आउट पुश द बोट आउट मीन्स आनंद उठाना पुश द बोट आउट सेलिब्रेट करना किसी चीज को इंजॉय योर सेल्फ द बोट आउट सेलिब्रेट करना या इंजॉय करना आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एग्जाम स्टूडेंट डिसाइडेड टू द बोट आउट एंड हैव अ पार्टी एग्जाम कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट ने क्या निर्णय लिया एक पार्टी का एंजॉय करने का टू पुश आउट द बोट टू दू द बोट आउट एंड हैव अ पार्टी ठीक है एक पार्टी रखने का और आनंद उठाने का पार्टी का आनंद लेने का डिसाइड किया अब बॉन ऑफ कंटेंशन, अब बॉन ऑफ कंटेंशन मिस होता है झगड़े की जड़ जिसको हम बोलते हैं झगड़े की जड़ जो होती है उसको बोलते हैं बॉन ऑफ कंटेंशन सब्जेक्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट में झगड़ा विवाद फसाद आर्ग्यूमेंट ठीक है तो बॉर्न ऑफ कंटेंसन मेंस होता है झगड़े की जड़ और डिसग्रीमेंट डिसग्रीमेंट असहमति सीरियस बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द लैंड ऑनर्स एंड द डेवलपर वॉज द कंपनसेशन प्राइस फॉर द लैंड जो झगड़े की जड़ थी लैंड ऑनर और जो डेवलपर थे उसको डेवलप करने वाले उनके बीच में क्या था कम्पनसेशन प्राइस में होता है कम्पनसेशन छूट अनुकंपा जो होती है ठीक है तो जो मुआवजा देते हैं कम्पनसेसन प्राइस जो मुआवजा था मुआवजे का पैसा था वो दोनों के बीच में क्या था झगड़े की जड़ था बॉन्ड ऑफ कंटेंसन था हैव अ बॉन्ड टू पिक विथ समी एस का मतलब होता है यहाँ पे सम के लिए लिखा हुआ है ठीक हैव अ बाउंड टू पिक विथ समी इसका मतलब क्या हुआ एक ऐसा विषय अच्छा विषय नहीं है लेकिन बात करना उस पर जरूरी है एन अनप्लीजेंट इशू और ग्रिवनेंस दैट नीड्स डिस्कशन एन अनप्लीजेंट इशू एक अनप्लीजेंट प्लीजेंट में सुखद अनप्लीजेंट में अच्छा नहीं असुखद इशू मामला और जिसको हम ग्रीवेंस भी बोलते हैं दैट नीड्स डिस्कशन जिस जिसपे डिस्कशन करने की ज़रूरत है एक ऐसा विषय ऐसा मतलब अनप्लीजेंट विषय है जिस पर बात करना जरूरी हो द टू रेपुटेड यूनिवर्सिटीज ऑफ द स्टेट्स हैव अ बॉन्ड टू पिक विथ ईच अदर ओवरकन रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर एडमिशंस जो जो रेपूटेड यूनिवर्सिटीज ऑफ द स्टेट राज्य की हैं उनको क्या है इस विषय पर बात करना जरूरी है कौन सा विषय है रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर एडमिशंस एडमिशन पे रिजर्वेशन पॉलिसी पे बात करना जरूरी है ठीक है बी इन सम बडीज गुड बुक्स बी इन सम बडीज गुड बुक मतलब क्या होता है बी इन सम बडीज फेवर और गुड ओपिनियन किसी की कृपा का पात्र बनना या किसी की नज़र में अच्छा बनना किसी की नज़र में कोई अच्छा होता है ना

किसी की नज़र में अच्छा होना द दैक्ट दैट सी ऑलवेज मैनेज टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ द बॉसेज सरप्राइज वन एंड ऑल द फैक्ट इज़ दैट फैक्ट इज़ दैट मीन्स कि है कि सी ऑलवेज वो हमेशा मैनेज करती है टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ द बॉसेस उस किसकी बॉस की नज़रों में अच्छा बनने की जो सरप्राइज करता है वन एंड ऑल सभी को वन एंड ऑल में सभी को दी बॉटम लाइन द बॉटम लाइन मीन्स होता है इसको हम बोल सकते हैं किसी निष्कर्ष का महत्वपूर्ण तथ्य जो होता है उसको बोलते हैं द बॉटम लाइन इन द फाइनल एनालिसिस, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट इन दी इन अ सिचुएशन मतलब व्हेन वी डिस्कस अ होल टॉपिक एंड व्हेन द व्हाट वी गेट एज अस्ट और एज अ ब्रिप समरी ठीक है किसी टॉपिक का जो होता है निष्कर्ष बिंदु जो होता है जो हम उसमें पूरा लेसन पढ़ते हैं उसके बाद समरी होती है ना तो उसको बोलते हैं बॉटम लाइन किसी निष्कर्ष का महत्वपूर्ण तथ्य जो होता है ठीक है बॉटम लाइन इज दैट प्रेगनेंट वुमेन्स हेल्थ इज एट ग्रेटर रिस्क इफ स्मोक यदि वे स्मोकिंग करते हैं तो प्रेगनेंट वुमेन जो है उनकी हेल्थ क्या है बहुत बड़ा रिस्क का इशू है गेट टू दॉटम ऑफ समथिंग गेट टू दॉटम ऑफ समथिंग मीन्स किसी हालत की सच्चाई ढूंढना गेट टू दॉटम ऑफ समथिंग मीन्स किसी हालत की सच्चाई ढूंढना या किसी बात की सच्चाई ढूंढना डिस्कवर द्रूथ अबाउट द सिचुएशन किसी सिचुएशन की सच्चाई को ढूंढना एक्चुअली वट इज द रियल सिचुएशन ऑफ दैट फैक्ट दैट मैटर इट्स डाउटफुल इट इज डाउटफुल संदेह से पूर्ण है इफ यदि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस में सोता है दखल अंदाजी हस्तक्षेप इंटरवेंशन जिसे विल अलाउ टू इन्वेस्टिगेट टू गेट टू द बॉटम ऑफ द केस ठीक है क्रॉस द ब्रिज वेन वंस कम टू इट क्रॉस द ब्रिज वैन वन कम्स टू इट cross द ब्रिज वैन वन कम्स टू इट इसका मतलब होता है समस्या का समाधान करना जब वो घटे सही या सही समय पर सही काम करना सही समय पर सही काम करना या जब वो घटे उसी समय समस्या का समाधान कर देना रिजॉल्व अ प्रॉब्लम वैन इट अकर रिजॉल्व मिज रिजॉल्व करना मतलब सॉल्व करना अ प्रॉब्लम समस्या को वैन जब इट अकर करना मतलब घटित होना जब ये घटित होता उसी समय समस्या का कर, समाधान करना rather than try to solve it in advance बल्कि इसके बजाय इसको पहले ही सॉल्व करने से बजाय कि जब समस्या उत्पन्न होगी इसे सॉल्व कर देना उसको व्हाट विल यू डू इफ यू फेल इन दिस एग्जाम आप क्या करोगे जब एग्जाम में फेल हो जाओगे तो किसी ने पूछा उसने आंसर दिया आई विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन आई कम टू इट बोला जब का देखा जाएगा सही समय पर और जब वो होगा तो उसी समय देख लेंगे ठीक है अगला है बी ऑन द ब्रिंक और वर्ड्स जिसको ब्रिंक uh, की जगह वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं ऑफ डूइंग समथिंग बी लाइकली टू डू समथिंग वेरी सोन किसी कार्य को करने के नजदीक होना मतलब कोई कार्य करने के हम क्या हैं बिल्कुल नजदीक हैं ठीक है द कंपनी डिसमिस द रिपोर्टर्स दैट इट वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ द सेलिंग इट्स शेयर्स दिसमिस द रिपोर्ट कंपनी ने क्या किया रिपोर्ट को डिसमिस किया दैट क्योंकि इट वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ सेलिंग ऑफ शेयर्स क्योंकि वो अपने शेयर बेचने की बहुत ही नज़दीक था बैक टू द ड्राॅइंग बोर्ड बैक टू द ड्राॅइंग बोर्ड वापस योजना की स्थिति में पहुँचना जहाँ से योजना बनाई थी वहीं उस योजना पर पहुँचना बैक टू द ड्राॅइंग बोर्ड द क्लाइंट रिजेक्टेड ऑल अवर प्रपोजल्स द क्लाइंट जो था उसने हमारे सारे प्रपोजल को रिजेक्ट किया सो वी हैड टू आस्क द कंसल्टेंट टू टेक द प्रोजेक्ट बैक टू द ड्राॅइंग बोर्ड सो इसलिए वी हैड टू आस्क हमने कहा था कंसल्टेंट को टू टेक लेना द प्रोजेक्ट बैक टू द ड्राइंग रूम वापस योजना की स्थिति में जहाँ से योजना बनाई थी वहाँ पर वापस लेना बैक टू प्लानिंग स्टेज जहाँ पर हमने प्लान किया था उसको वहीं वापस लेने के लिए आगे नहीं बढ़े उस पर क्लाइंट ने क्यों कर दिया था रिजेक्ट कर दिया था प्रपोजल को इसलिए हमने कंसल्टेंट को कहा कि टेक बैक बैक टू द्राइंग बोर्ड मीन्स फ्रॉम व्हेर द प्रोजेक्ट ठीक है जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था दे टू द्राॅइंग बोर्ड बैक टू स्क्वायर वन बैक टू स्क्वायर वन मीन रिटर्न टू वेर द्रॉम इसका वही है बैक टू बैक टू स्क्वायर वन मीस होता है वापस से शुरुआत पर पहुँचना जहाँ से चले थे फिर वहीं पहुँचना ठीक है कुछ जहाँ से हमने शुरू किया था फिर वहीं पे पहुँच गए मतलब कुछ वो नहीं हुआ द गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक स्पेंड ईर्स स्ट्रेंथनिंग द नेसन्स इकॉनॉमी गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक ने क्या किया कई सालों तक स्ट्रेंथनिंग द नेसन्स इकॉनमी को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की स्ट्रेंथन किया बट द स्लो डाउन स्टैटर्ड इट सो वी आर बैक टू स्क्वायर कुछ नहीं हो पाया इसका क्या हो गया सेटर में चूर चूर हो गए स्लो डाउन धीरे धीरे क्या हो गया ये सारा मामला गड़बड़ हो गया और हम क्या हो गए वापस वहीं पर आ गए थे जहाँ से हमने इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए शुरुआत की थी वहीं पे पहुँच गए बाई और थ्रू द बैक डोर बाय और थ्रू द बैक डोर मतलब गलत तरीके से बैक डोर से बोलते हैं ना बैक डोर से तो गलत तरीके से नॉट इन अ डायरेक्ट और ऑफिसियल और ऑनेस्ट वे मतलब ईमानदारी से तरीका नहीं है डायरेक्ट तरीका नहीं है ऑफिसियल तरीका नहीं है बैक डोअर से मतलब मतलब गलत तरीके से इसका दी अपोजिशन अक्यूज गवर्नमेंट ऑफ सिंगिंग द डिफेंस डील विद द नाइवोअरिंग कंट्री थ्रो द बैक डोर द अपोजिशन अक्यूज अक्यूज में आरोप लगाना टू द गवर्नमेंट पे ऑफ सिंगिंग द डिफेंस डील जो डिफेंस डील के बारे में गाना गा रहे थे उसके बारे में उन्होंने लगाया कि आपने क्या किया है कि तो नाइबरिंग कंट्री से उससे क्या, क्या बैक से किया थ्रू द बैकडोर से डील किया मतलब एवा बोट जो हमने पढ़ा था एवब वो निस्कपट नहीं रहा वो क्या रहा दैट वॉज नॉट दैट डील वॉज नॉट वॉज नॉट डन विद अ ऑनेस्ट वे दैट वॉज नॉट ऑफिशियल डील दैट वॉज नॉट इन अ डायरेक्ट वे डील दैट वॉज बैकडोर डील ठीक है तो ये इस तरीके के आरोप लगाया उन्होंने तो आज हम इतना ही कंप्लीट करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की ई डी को कंप्लीट करेंगे उम्मीद है जितनी आज हमने ई डी पढ़े आपने याद किए उम्मीद है आपको ये अच्छे लगे होंगे आपको याद भी हो गए होंगे हमने एग्जाम्पल के साथ भी पढ़े इनको और इनका हिंदी अर्थ भी आपको बताया सेंटेंस का भी हिंदी अर्थ बताया तो आप इनको नोट भी कर सकते हैं हम नोटबुक में इनका एग्जाम्पल यहाँ पर है उनका इंग्लिश मीनिंग यहाँ पे है ठीक तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम अगले वीडियो में इसी के साथ ओके गुड बाय